बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के एसआई मधु ने हफीज नामी शख्स को बुरी तरह मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हफीज नामी शख्स ने आपस में लड़ रहे दो लोगों को देखकर इंसानियत के नाते छुड़ाकर भिजा दिया गया, लेकिन हफीज को पता नहीं था बाद में उस पर क्या कार्रवाई होगी। वैसे ही कुछ दिन बाद बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मधु ने बात करने के बहाने बुलाकर हफीज को बिना वजह बेरहमी से मारकर जख्मी कर दिया। वजह पूछने पर मीडिया वालों के साथ भी एसआई ने की बदतमीजी। क्या कोई भी एसआई अपने पावर्स का इस तरह गलत इस्तेमाल कर सकता है? ऐसे पुलिस वालों की वजह से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस वालों का नाम भी ख़राब होता है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार को चाहिए कि इस तरह फ्रेंडली पुलिस का नाम खराब करने वाले पुलिस अहदेदारों पर नज़र रखकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या फोन मार रहा है आपको? मधु साहब मारे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, बच्चा कंटेस्ट भी कर रहा, बच्चा बोल रहा आप इधर आ रहे आप मैं बोल तो इधर मेरा बोल रहा मैं हाँ तो मैं मेरा नाम करीम है, मेरे भाई का नाम हफीज़ है, मोबाइल की दुकान है बहादुरपुरा पे। दो जने लड़ रहे थे रोड पे, तो मैं छुड़ाने के वास्ते गए, छुड़ा दिए, छुड़ा में हो गया। पाँच दिन के बाद उन्होंने क्या कंप्लेंट करा कि ऐसे साहब फोना करके बोले, मधु सर नाम है उनका, फ़ोन करके बात करना बाबू आओ पी एस को, बोल के बोले पी एस को आते जो ना मारना शुरू कर दिया, मार के जख्मी कर दिया, नाक में से बड़ा खून जा रहा, ऐसा जुल्म कर दिया, क्या करना बोलिए। आपके भाई वो लड़े थे, इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने खाली ठहरे हुए थे, छुड़ा जाके क्या हुआ बाबा रेगुलेटर बोल के हाथ पकड़े बाजू में हटा, उतना इतनी गलती हो गई इनकी, नहीं लगे जाने भी नहीं दे रहे, लाते की पी एस ने मारना शुरू कर दिया था, मार मार के जो है ना जख्मी कर दिए। बुला रहे हैं नाक में से खून निकला, अभी इन्होंने खाली छुड़ा है, कुछ भी नहीं बोल के बोल रहा भी नहीं, उसकी उसकी बात नहीं सुन के जो ना मारना शुरू कर दिया। क्या ये जुल्म पुलिस वालों का जुल्म देखिए था, क्या करना बोलिए, दवाखाने को भी ले जाएंगे, दवाखाने को भी लेने नहीं दे रहे।